सागर में हत्या के आरोपियों के व्यवसायिक बिल्डिंगों पर चल रहे बुलडोजर को बीजेपी के पूर्व सांसद ने ही रुकवा दिया। बता दें कि सागर के पूर्व बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण यादव अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर को ना मानने का प्रशासन पर आरोप लगाते हुए सागर नगर निगम आयुक्त को जमकर फटकार भी लगाई, जिसके चलते प्रशासन बैकफुट पर आ गया और कार्रवाई रोक दी। दरअसल 15 दिन पहले हुए हत्या के बाद प्रशासन ने आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की बात कही। इसके लिए 3 दिन पहले ही जिला प्रशासन और नगर निगम सागर ने इमारतों के अवैध होने का नोटिस चस्पा किया। परिवार ने इसकी याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई और स्टे ऑर्डर लिया। बावजूद परिवार का आरोप है कि स्टे ऑर्डर को अनदेखा कर कार्रवाई की जा रही है, जिसे पूर्व सांसद ने रुकवाया। पूर्व सांसद और कमिश्नर के बीच की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट का केस छोड़वाऊंगा आपको। आप बस अभी तक कह के जाते हैं, आप गिराइए इसका वीडियो बना लो, बना दिया हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश हो रहा है आप पार्टी के लोगों के साथ, पार्टी नहीं, चलो इस देश में रूल ऑफ लॉ चलेगा या पुलिस राज चलेगा, मैं ये किस बात पूछता हूँ। तो 65 साल हो गए राजनीति में समझे, और ऐसा कोई पद नहीं है जो मैंने नाम लिया ना वहाँ, क्योंकि यह कोई तरीका नहीं है। अफसरों के अत्याचार की ऐसी मंजा भी चल जाएगी। खन्ना साहब, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, बस उसको समझ लीजिएगा।